निवासी और एक आध्यात्मिक पेंटिंग का यात्रा मेरा जीवन में चल रहा है। और इसी दौरान मैं इसी साल पहले सेकेंड मंथ में फरवरी में जहांगीर आर्ट गैलरी में एक अद्भुत एग्जीबिशन किया था। वो सबका आशीर्वाद प्रेम बहुत अच्छे से मुझे मिला, तो उसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। उसका साथ साथ उन्हें उस समय में मैंने एक संकल्प लिया, जो दिवाली का आसपास में एक अद्भुत एग्जीबिशन फिर मुंबई में लेके आने का एक मैं और अशोक अग्रवाल जी मेरा प्यारे मित्र हैं, सो उनका तरफ से मैं बात करने का समय में हम दोनों का एक बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है एग्जिस्टेंस के साथ एक अच्छा पेंटिंग्स लेके आने के लिए। वो मेरे लिए आत्मा से ज़्यादा समर्पण करते हैं, मेरे काम को देखने के लिए तरसते, और मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ उस मौका मुझे देने के लिए। और इस एग्जीबिशन के लिए मैं तैयार हूँ, अभी मुंबई लेके आ रहा हूँ। सो एक अद्भुत एक छोटा सा गैलरी ओपन हो रहा है, और वो भी सिर्फ मेरा ही कलेक्शन, तो ऐसे बोलना एक अच्छी बात है क्योंकि मैं घंटों साधना करके इस मोमेंट को आनंद से आपके सामने लेके आने के लिए प्रयास करता हूँ, और सतत प्रयास चल रहा है। और इसमें एग्जिस्टेंस का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और इस दौरान मैं एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया, इसका टाइटल है दर्पण मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ गॉडलीनेस। सो जो अंदर का जो भाव है ना, वो रिफ्लेक्शन तभी होता है आपका कामों में। जैसे मैं अपना ध्यान का यात्रा लेके चल रहा हूँ, अभी भी चल रहा हूँ, सो ये जो चलने का एक क्रिया है ना, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन में हो जाता है। ये प्लानिंग मेरा और परमात्मा का साथ एक फाउंडेशन में इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हम चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नॉलेज है, टेक्निक है, और एक विजुअली हम कैसे उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, विजुअली कैसे उसको एक काउंटर बोल सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि एक पेंटिंग का सामने खड़े होते हैं तो उस कला का उस कलाकार का पूरा यात्रा आपको कनेक्ट हो जाता है, उसके लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। तो मेरा ब्लड मास्टर है वैन गॉग का जो पेंटिंग्स हम देखते हैं, उतना डीपली कनेक्शन इसलिए हो पाते हैं, उनका स्टोरी का साथ उसका पेंटिंग चल रहा है। जब कोई भी आर्टिस्ट का पेंटिंग आप लेके जाते हैं घर पे, जैसे मेरा पेंटिंग आप लेके जा रहे घर पे, मेरा जीवन का कनेक्शन का साथ वो पेंटिंग रहना है और रहता है, और उस चीज़ को फील करना है, कनेक्ट करना है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि वैन गॉग बनाते थे नेचर और वहाँ का कुछ अच्छा मोमेंट और बुरा मोमेंट को एक कैनवस में लेके आते थे, तो उसमें कनेक्ट करने के लिए हमें कोई महसूस किया है उस चीज़ को, महसूस किया हुआ चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक आदमी का कनेक्शन हमारा सामने अभी तक है, सिर्फ एक आदमी का कनेक्शन है। सो ऐसे क्या है ना, हम लोग जितने लोग उस चीज़ को देखते हैं, उस पेंटिंग को देखते हैं, सबका कनेक्शन अलग अलग होता है। क्योंकि हम लोगों का पैरामीटर है ना, लाइफ का पैरामीटर में बहुत चीज़ें हमारा जीवन में होता है और होते रहते हैं और घटता भी रहता है। तो उस चीज़ को उन्होंने वो किया है, तो मेरा पेंटिंग को आप कनेक्ट होने के लिए और गहराई में डूबना पड़ता है। क्योंकि मैं बनाता हूँ भगवान, कितना प्यारा शब्द है, सो ये भगवान जब बनाता हूँ तो इस भगवान का चित्र में क्या कनेक्शन ले सकते, क्योंकि बाजार का हिसाब से बात किया तो 2 रुपए में भी भगवान का चित्र मिल रहा है, और यहाँ 2 लाख रुपए में भी भगवान का चित्र मिल रहा है। उस भगवान और इस भगवान में फ़र्क क्या है? अभी का जनरेशन का लोगों के लिए सिर्फ यही चीज़ है, फ़र्क क्या, क्वेश्चनिंग। ना उसको जान पाते ना उसको महसूस कर पाते। तो महसूस करने के लिए मैं हूँ और जानने के लिए मेरा कला है। और इसी पेंटिंग के साथ एक अच्छा सीरीज़ दर्पण रिफ्लेक्शन ऑफ गॉडलीनेस सीरीज़ अभी दिल्ली से मुंबई का यात्रा करने का तैयारी में है। और मुंबई में एक मेरा पैरामित्र का सहयोग से एक नया गैलरी ओपन होने जा रहे, अनिका आर्ट गैलरी। ये मुंबई में बहुत ही अच्छा प्राइम लोकेशन में ये होने जा रहे। और इसका उद्घाटन का समय और दिनांक बहुत जल्दी मैं आपको विश्लेषित बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ बने रहिए हमारा साथ और मेरा साथ और मेरा पेंटिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा डूबना पड़ेगा। तो वो डूबने में जो आनंद है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो महसूस हुआ है वो अलग ही एक दुनिया है, अलग ही एक, ऐसे नहीं है दुनिया मतलब कहीं अलग है, वहाँ जाके हम लोग महसूस करके आते हैं। वो दुनिया यहाँ पर भी महसूस होता है। वो दुनिया, उसके लिए आप आना पड़ेगा। जब पेंटिंग का, हर पेंटिंग का सामने खड़े होके अब मुझे सुनना है और मेरा पेंटिंग के साथ कनेक्ट होना है, तो आप गैलरी आइए। और प्लीज़ काम को छोटा सा मोबाइल स्क्रीन में देखिए और हमेशा गैलरी में जाइए और कलाकार लोगों को थोड़ा सा प्रमोशन करने का और प्रमोट करने का और उनको प्यार दिखाने का एक अवसर लीजिए, समय लीजिए। जाइए गैलरीज में, काम देखिए और लोगों को प्यार करना सिखाइए, क्योंकि आप खुद प्रेमी हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं प्रेमी हूँ इसलिए आप लोग आ जाइए मेरे गले लग जाइए। आप खुद प्रेमी हैं, आपका अंदर का प्रेम को जगाइए और कला को प्रमोशन कीजिए। अरे जब पंडित जसराज जी का गाना चलता है तो उसका पीछे जो गणेश का काम चलता है, जो एक गणपति का स्तोत्र चलता है, और उस स्तोत्र में ऐसे है ना, हर एक मंत्र आपका नस नस मतलब हिला देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे और बहुत जल्दी दर्पण सबका सामने आए। और इस दर्पण के लिए आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी अनिका आर्ट गैलरी मुंबई, नरीमन पॉइंट है और बहुत अच्छा लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है और पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छा प्राइम लोकेशन में, और चारों तरफ समुद्र दिखता है और इतना अच्छा है। बस आप लोगों को कुछ ही दिन इंतज़ार करना है, अनिका आर्ट गैलरी में हम सब मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू।